एट यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, 3D प्रिंटिंग। 3D टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द वे वी प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टूल्स एंड टॉयस टू क्लोथिंग एंड इवन बॉडी पार्ट्स। यानी कि 3D प्रिंटिंग क्या होती है, एक मॉडल या स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है जिसकी हेल्प से हमें पता चल सकता है कि अगर हम ये चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रिपेयर होने के बाद ये चीज़ एक्चुअली यानी कि असली में कैसे दिखेगी। तो इसके लिए बहुत सारे 3D मॉडल्स आजकल की टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं, फिर भले वो किसी ऑब्जेक्ट के लिए हो, के लिए किसी खिलौने के लिए हो, कपड़े के लिए हो, या फिर हमारे इवन बॉडी पार्ट्स के लिए भी अलग अलग 3D मॉडल्स बनाए जाते हैं ताकि समझ में आ सके। 3D प्रिंटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस नोन एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी जाना जाता है। फिर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय एडिंग मटेरियल लेयर बाय लेयर। इसको ऐसा नाम क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इसमें मटेरियल ऐड किया जाता है, ठीक है, एक परत दूसरी परत यहाँ पर बिछाई जाती है जिसकी हेल्प से हमारा मॉडल अच्छे से बन पाए। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग अलाउस डिजाइनर्स टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ मशीन, एरोप्लेन एंड कार्स। यानी कि ये मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, लोगों को हेल्प करता है कि बड़े बड़े मशीन के पार्ट हो गए, एरोप्लेन के पार्ट हो गए या कार वगैरह के पार्ट्स हो गए, तो उसमें भी ये उसे काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज इन 3D प्रिंटिंग इज प्लास्टिक, बट द यूज़ ऑफ अदर मटेरियल अलाउ फॉर द क्रिएशन ऑफ सम अमेजिंग प्रोडक्ट्स। यानी कि यहाँ पे ज़्यादातर प्लास्टिक मटेरियल यूज़ होता है 3D मॉडल को अच्छे से दर्शाने में, बट उसके अलावा भी हमें कहीं और मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा बहुत वो भी यूज़ किया जाता है। 3D प्रिंटिंग इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर इवन इन फूड इंडस्ट्री, इन द मेडिकल वर्ल्ड। डॉक्टर्स कैन 3D प्रिंट सम स्मॉल बॉडी पार्ट्स लाइक ईयर्स एंड नोज बाय यूजिंग अ पेशेंट सेल। यानी कि 3D के हेल्प से बहुत सारी चीज़ें, यानी कि फूड इंडस्ट्री में भी ये कि फूड का जो स्ट्रक्चर है प्रिपेयर होने के बाद कैसा दिखेगा, वो भी लोगों को एडवर्टाइजमेंट के लिए 3D मॉडल यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा मेडिकल की फील्ड में भी डॉक्टर्स इसे बॉडी पार्ट्स को जाँचने के लिए, या फिर हमारे जो एकदम स्मॉल पार्ट्स है ईयर और नोज, ठीक है, उनके सेल को परतने के लिए भी ये मॉडल का यूज़ होता है, 3D मॉडल का यूज़ होता है। सब सर्जन्स हैव इवन टेस्टेड 3D प्रिंटर ऑर्गन्स फ्रॉम द ट्रांसप्लांट। यानी कि 3D प्रिंटर से इन्होंने जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी पार्ट के, उनको भी उसमें हेल्प की है। रिसेंटली चाइना हैज़ 3D प्रिंटेड हाउस 10 हाउसेज इन जस्ट वन डे एट द कॉस्ट ऑफ लेस देन $5,000 पर हाउस। अब चाइना ने भी क्या किया है, ऐसे जो घर हैं वो बनाए हैं ऐसे 3D प्रिंटर की हेल्प से, 10 हाउस यानी कि 10 घर बनाए हैं एक ही दिन में, जिनकी जो कॉस्ट है वो क्या है, लेस देन $5 $5 से भी कम कीमत में पर हाउस की इन्होंने रेट वहाँ पर रखा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से इसकी प्रोसेस होती है। द फर्स्ट स्टेप इज द 3D प्रिंटिंग इज टू क्रिएट द ब्लू प्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट यू वॉन्ट टू प्रिंट यूजिंग अ कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, 3D मॉडल है, ब्लू प्रिंट है, वो हम निकाल सकते हैं। सेकेंडली द फाइनलाइज द ड्राइंग इज इम्पॉर्टेंट इन टू सम स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट प्रिपेयर इन अ फॉर्मेट दैट इज अंडरस्टूड बाय द 3D प्रिंटर। यानी कि कुछ यहाँ पर फाइनलाइज ड्राइंग्स वगैरह होती है, इसके लिए भी स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके। उसके बाद 3D प्रिंट इज सेटअप टू अलाउ द सॉलिड ऑब्जेक्ट टू बी मेड। अब ब्लू प्रिंट के आधार के ऊपर अब हमें लगता है कि सही है, तो उसके आधार पर मटेरियल का यूज़ करके मॉडल बनाया जाता है। द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज बिल्ट अप लेयर बाय लेयर। यानी कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसको लेयर बाय लेयर बनाया जाता है। दिस कैन टेक सेवियर आवर्स डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द लेयर। यानी कि इसमें कुछ घंटे लग सकते हैं, वो लेयर के ऊपर मटेरियल के ऊपर डिपेंड रहता है। द मटेरियल यूज्ड एंड द साइज ऑफ द फाइनल ऑब्जेक्ट, यानी कि मटेरियल जो यूज़ किया गया था उसके आधार पर हमारा फाइनल मॉडल है वो प्रिपेयर होता है। पूरी हमें प्रोसेस बताई गई कि 3D प्रिंटिंग की प्रोसेस कैसे होती है। जैसे कि आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं, ये एक 3D प्रिंटर प्रिंटिंग हाउस, ठीक है, एक प्रिंटर है जो क्या है, हाउस से बनाया गया है, कि हाउस का स्ट्रक्चर बनने के बाद किस तरीके से इसके लिए यहाँ पे एक मॉडल प्रिपेयर किया गया है। टेक्नोलॉजी हमें आगे भी यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर।